माँ दुर्गा के उत्सव नवरात्र को कुछ ही दिन शेष हैं। देश भर में मनाया जाने वाला माँ दुर्गा का ये त्यौहार नौ रातों में रोशनी, शक्ति और अदम्य वीरता की निशानियाँ छोड़कर जब जाता है तो पूरा भारत इसकी शक्ति से साल भर अनुग्रहित रहता है। दुर्गा पूजा का खास उत्सव देश भर में मनाया जाता है, लेकिन बंगाल में दुर्गा पूजा की बात अलग है। इस राज्य में दुर्गा पूजा का महत्व इतना वृहद है कि ये उत्सव बाहरी लोगों के लिए बंगाल का परिचायक बन गया है। बंगाल की दुर्गा पूजा यूनेस्को के इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल है। बंगाल की आत्मा को छू लेने वाली दुर्गा पूजा के साक्षी बनने देश भर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। आज आपको हम बंगाल की इस दुर्गा पूजा के खास अनुष्ठान के बारे में बताएंगे। इसका नाम है चोखू दान। चोखू दान बंगाल में दुर्गा पूजा का एक अभिन्न हिस्सा है। चोखू यानी चक्षु, जो बंगाली डायलेक्ट में चोखू हो जाता है। चक्षु का अर्थ है नेत्र, आंखें। दान यानी अर्पण करना, कुछ देना। चोखू दान महालया के शुभ अवसर पर किया जाता है। महालया यानी नवरात्र की शुरुआत। इस दिन महीनों पहले से माँ दुर्गा की प्रतिमा को तैयार करने में जुटे कारीगर माता के रूप को पूरा करते हैं। किसी एक अनुभवी कारीगर को ही अनुमति होती है कि वो दुर्गा प्रतिमा की आँखों को सजीव करे, उसमें रंग भरे, उसे जीवंत करे। इसी नेत्रदान के साथ शंखनाद, मंत्रों और दुर्गा स्तुति के साथ माता पधारती हैं। शुरुआत होती है पृथ्वीलोक की सबसे सुंदर और पवित्र नौ रातों की, नवरात्रों की।